हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन हिमालय के कॉफलेट SF लिंक्टस के बारे में। जी हाँ, ये लिंक्टस एक तरह से थिक सिरप की तरह होता है जो कि कम्प्लीटली हर्बल और आयुर्वेदिक होता है और आपके बॉडी में, जी हाँ, जब आपको सूखी खांसी होती है, गीली खांसी होती है, सर्दी जुकाम होता है, बहुत ज़्यादा कफ बनता है, गला खराब हो जाता है, एलर्जी होती है, गले में इन्फेक्शन होता है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए यह हिमालय का कॉफलेट SF लिंक्टस या कह लीजिए सिरप आपको दिया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लिंक्टस के अंदर, इस सिरप के अंदर मेन कंपोजिशन कंटेंट क्या क्या चीज़ मिली हुई होगी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस सिरप की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, हिमालय के कॉफलेट लिंक्टस की बात की जाए तो इसमें जो कंटेंट मिला होगा तुलसी, जी हाँ, नेचुरल आयुर्वेदिक तुलसी और यस्थी मधु जिसे हम लिकोराइज भी बोलते हैं, इसके द्वारा ये बनाया जाता है। इसे हिमालय ड्रग कंपनी बनाती है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं और एक बॉटल में 100 ml लिंक्टस आता है जिसकी कीमत 90 से 100 के आसपास आ जाती है। बात करेंगे उपयोग की। जी हाँ, ये कॉफलेट SF लिंक्टस बेनिफिशियल होता है मेनली जो प्रोडक्टिव कफ होता है, ड्राई कफ होता है, डायबिटिक पेशेंट हो या आम पेशेंट हो जिसमें कफ वगैरह ज़्यादा बनता है, खांसी वगैरह ज़्यादा आती है, वो इजीली इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी टसिव प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि कफ को सप्रेस करता है और जो वेट कफ हुआ, ड्राई कफ हुआ, उसको बनने से रोकने का काम करता है। साथ ही साथ गला खराब हुआ, एलर्जी हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, इन सारी समस्या में भी ये कफ सिरप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा। फिर हम बात करेंगे डियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है। देखिए, जो तुलसी है वो मेनली आपका ये एक तरह से पोटेंट एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होता है जो एलर्जिक रिलेटेड जो आपका कफ हुआ, जो एलर्जी के सिम्टम हुए उसको दूर करेगा और पोलन इंड्यूस जो ब्रांकोस्पाज्म है यानी कि जो ब्रोंकाई में, फेफड़े में ऐठन वगैरह हो जाती है, स्पाज्म आ जाता है, गला खराब हो जाता है जम्स के कारण, पोलन्स के कारण, उससे क्या करती है, राहत दिलाने का काम करेगी और आपका जो ब्रोंकाइटिस वगैरह हो रहा है, जो वेरियस फार्माकोलॉजिकल इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, उससे कफ वगैरह को रोकता है, कफ सप्रेस करता है, कफ आने नहीं देता। फिर बात कर लेंगे अस्थि मधु की। अस्थि मधु के अंदर एंटी टसिव एक्टिविटी होती है, एक्सपेक्टोरेंट जो कि कफ को एक्सपेल आउट करवाने का काम करता है और इम्यून इनहांसिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जी हाँ, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है ताकि आपके जो जम्स वगैरह, आपका कफ वगैरह क्लियर, एलर्जी कॉज कर रहे हैं, कफ कॉज कर रहे हैं, उनसे लड़ने का काम करती है। साथ ही साथ अदर भी जितने भी सिम्टम हैं गले खराब से रिलेटेड, उसको ठीक करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इस प्रकार से जो तुलसी है और अस्थि मधु है अपना अपना रोल यहाँ पे प्ले करने का काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे डोजेस, सही डोज क्या होगा। सही डोज देखो डॉक्टर के हिसाब से रहना चाहिए क्योंकि वो आपकी कंडीशन के हिसाब से देते हैं। वैसे कॉमनली 1 से 2 ढक्कन आप दिन में 2 बार ले सकते हो। बात करेंगे सावधानियां क्या रखनी है, तो जितना भी डोज बताया जाए कभी भी खुद से ज़्यादा ना लें। बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले इसके लेबल का डायरेक्शन अच्छे से ज़रूर पढ़ें और इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को भी अच्छे से सेक जरूर करना चाहिए। बात करेंगे साइड इफेक्ट की, तो जैसा कि हमने बताया ये कम्प्लीटली नेचुरल हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है अगर आप अंग्रेजी दवा खाते हो उसके कंपैरिजन में। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका हिमालय कॉफलेट SF लिंक्टस या सिरप जो कि आपके कफ में मेनली आपका जो कफ बनता है, ड्राई कफ, वेट कफ है ना, जो एलर्जी हुआ, जो आपका अलग अलग सिम्टम हुआ, गला खराब हुआ, इन सारी समस्याओं में दिया जाता है इस सिरप, इस लिंक्टस की जानकारी आपको कैसी लगी। अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला सिरप किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको ढेर सारे टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, जेल, इंजेक्शन जिसकी भी जानकारी चाहिए प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को विजिट करके जाइएगा, सारी जानकारी जरूर मिलेगी। मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में किसी अगले मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।